नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज़। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी सादगी से मना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लोगों ने किया योग अभ्यास। योग की महत्ता से सभी को किया गया रूबरू। बीते दिनों टेलको थाना क्षेत्र के टाटा मोटर्स गेट के पास से टीसीआई की गाड़ी से चोरी के मामले में 4 अपराध कर्मियों को पुलिस ने सोमवार को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मानगो नगर निगम की समस्याओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष पदाधिकारी को किया अवगत। एक हफ्ते के भीतर समस्याओं के निजात दिलाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लोगों ने योग अभ्यास कर इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हालांकि सरकारी स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी पीठ में योग साधना सा मेडिटेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को योग के माध्यम से निरोग रहने के गुर सिखाए गए। इस शिविर में समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां संस्थान के प्रशिक्षकों के अलावे MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने तनावग्रस्त जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं मानगो स्थित JP स्कूल परिसर में विद्यालय के शिक्षकों के अलावे छात्र छात्राओं के अभिभावकों को योग अभ्यास कराया गया। स्कूल के संचालकों ने शिविर के समापन के बाद अभिभावकों के समक्ष विश्व योग दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील की। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से लगातार 3 दिन से योगाभ्यास कराया जा रहा था और इसमें विशेष कर करके योग के जो आयाम हुए वो सारे उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत बताया गया। योग करने से शरीर निरोग रहता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रहने का अपने विधि जो योगा माध्यम से सिखाया जाता है उसको टिप्स सभी को बीच दिया गया। सभी ने अपने भाव के साथ योगाभ्यास को किए और अपने संकल्प लिए कि अपने शरीर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, हम विकास के लिए सकारात्मक भाव से जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। इस तरह से उन्होंने संकल्प लेकर करके आज अपना 7वां योग दिवस को संकल्प लिए और भविष्य में अपने घर पर जाकर के योगाभ्यास करते रहेंगे। जमशेदपुर के टेलको थाना पुलिस ने बीते 19 जून को टाटा मोटर्स गेट के समीप से चेन्नई से टाटा मोटर्स का सामान लेकर पहुंची TCI की गाड़ी से साजिश के तहत 58 लाख के सामान गायब किए जाने के मामले का खुलासा करते हुए 4 अपराध कर्मियों को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से गायब किए गए 50-60 लाख रुपए का सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम हरीश चंद्र शर्मा, राकेश कुमार, रोशन सिंह और अजीत कुमार बताया जाता है। जानकारी देते हुए टेलको थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामान के साथ नयन कुमार दास नामक अपराध कर्मी को पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उसी की निशानदेही पर बाकी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। यह घटना 15 अप्रैल की है। जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था तो उसमें जो अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य जगह स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो कई जगहों पर छापामारी की गई, राज्य से बाहर भी छापामारी की गई और जमशेदपुर पुलिस टेलको थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करके इसमें 20 मई को हमने पहली सफलता हासिल की थी, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख का सामान बरामद किया गया था और एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी में अग्रतर अनुसंधान करते हुए कल छापामारी किया गया अन्य स्थानों पर, जिसमें करीब 50
55 से 60 लाख का सामान और चोरी किया गया सामान बरामद हुआ और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मानगो नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम कार्यालय पहुंच क्षेत्र की समस्याओं से विशेष पदाधिकारी को अवगत कराते हुए एक हफ्ते के भीतर क्षेत्र की समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दिया है कि अगर एक हफ्ते के भीतर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन को बाद हो जाएगी। गौरतलब हो कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता हैं और झारखंड में सरकार के सहयोगी भी। वैसे बन्ना गुप्ता लगातार दावा कर रहे हैं कि मानगो क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है और अधिकारी केवल कागजी दावे कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की धमकी का नगर निगम पर कितना असर पड़ता है। जो निम्नलिखित हम लोगों ने 24 बिंदुओं पर जो मांग पत्र दिया है उसका समाधान एक पखवाड़े के भीतर होना चाहिए। यदि एक पखवाड़े के भीतर उसका समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन पेश करेंगे जो जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल झूठी बयानबाजी दे करके आप जनता को धोखा नहीं दे सकते। सफाई के नाम पर आप काम नहीं करते, ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक का मामला जो है, स्ट्रीट लाइट, उसकी मरम्मत नहीं करा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। इस तरह के अनेक काम हैं जो काम के लिए हम लोगों ने मांग पत्र दिया है और जिस तरह की वार्ता उनसे हुई है, सकारात्मक वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर काम दिखेगा। यदि काम नहीं दिखेगा तो वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन ने टाटा कंपनी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ 22 जून को चक्का जाम करने की घोषणा की है। एक वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। इनके अनुसार डीजल के दामों में इन दिनों काफी उछाल आया है और कंपनी इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। वहीं कंपनी चंद बड़े बड़े ठेकेदारों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे रही है, उन ठेकेदारों को ही काफी अधिक भाड़ा दिया जा रहा है। कंपनी के इसी मनमानी के खिलाफ इनके द्वारा 22 जून जमशेदपुर शहर भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। ऐसे हैं कि जो और हम लोग को बाहर डीजल का बढ़ते हुए कीमत और हमारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये 22 तारीख को हमने पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेते हुए ट्रक, टेलर और आपका डंपर, सारे संस्थाओं को लेते हुए हम हड़ताल में जा रहे हैं और हमारी मांग को टाटा स्टील के संबंध में रखे हुए हैं। टाटा स्टील के एक वार्ता भी हुई लेकिन हम लोग को वार्ता टाटा स्टील सुन नहीं रही है। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि बड़े बड़े भेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं और आज के डेट में ऐसा स्थिति हो गई है कि हम लोग 3 महीना से हम लोग पूरा चक्का जाम किए हैं, सब कुछ किए लेकिन बात टाटा स्टील सुन नहीं रही है और आश्वासन भी दिया गया है कि हम लोग आपका बात सुनेंगे लेकिन वो सुन नहीं रहे। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को संपूर्ण आपका हड़ताल कर रहे हैं जिसमें एक भी गाड़ी हमारी जवाबदेही नहीं होगी कि और हम लोग बाकी गाड़ी मालिकों को अनुरोध किए हैं कि अपनी अपनी गाड़ियां खड़ा कर दें, जहां हैं वहीं रहें, ये हमारे बंद में समर्थन करें। जमशेदपुर से सटे दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में कार्यरत तमाम मजदूर इन दिनों अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। यहाँ वन्य प्राणियों की देखभाल करने वालों के समक्ष रोजी की समस्या है और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गौरतलब हो कि ये तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो सरकारी स्थायी कर्मचारी की श्रेणी से बाहर हैं। विगत वर्ष यानी कोरोना के शुरुआती दौर से ही यहाँ बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच में एक बार कुछ दिनों के लिए इसे खोला गया था लेकिन फिर से इसे अभी तक बंद रखा गया है। वैसे यहाँ कार्य करने वाले महावत समेत तमाम वन्य प्राणियों की देखभाल में जुटे कर्मचारी रोजाना अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं लेकिन इन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता। यहाँ कार्य करने वाले महावत रवि सिंह बताते हैं कि कोरोना काल के कारण बाहर से लोगों के आने पर रोक है और इस कारण इनकी आमदनी शून्य हो गई है। वे बताते हैं कि वर्ष 1982 से वे दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में कार्यरत हैं लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी
नहीं किया गया है और अब परिस्थिति की मार ने इन्हें बेबस और लाचार कर दिया है। इन्होंने अनुरोध किया है सरकार इनके जैसे तमाम कर्मियों को स्थायी नौकरी प्रदान करे और जल्द से जल्द आम लोगों के लिए दलमा रेंज को खोले। कोरोना काल में तो हमारा परिस्थिति बहुत खराबे है, जैसे कि समय पर वेतन नहीं मिलता है और दुकानदारी भी माने नहीं होता है और हम लोग मतलब माहौल का काम करते हैं और मतलब जैसे बारिश भी हो चाहे धूप हो हम लोग को उस प्रकार जाना पड़ता है और हम लोग तो मजदूर एक तो मतलब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, पिस्ट नहीं आ रहा है और माने मार्च अगला साल मतलब 20 से ही मैंने बंद हुआ है, बीच में एक बार खुला था फिर बंद हो गया और उसके बाद में खुला ही नहीं है। जैसे कि हम लोग मैंने जैसे 1982 से कार्यरत है, अभी मैंने सारी चीज़ मैंने बहाली वगैरह हो गया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मैंने हम लोग को फॉरेस्ट गार्ड बनाओ, ये चाहिए हम लोग को कुछ पद पर हम लोग को नियुक्ति करे तो सरकार नहीं बना है। पोटका विधायक संजीव सरदार के निर्देश पर हरहर गुट्टू दुर्गा पूजा मैदान के पास 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगवाया गया, जिसका उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा किया गया। पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार को दी, जहां विधायक संजीव सरदार ने बिजली विभाग को जल्द से जल्द समस्या दूर करने का निर्देश दिया। उधर बिजली विभाग द्वारा क्षेत्रवासियों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से विधायक के निर्देश पर 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर स्थानीय लोगों के सुपुर्द किया गया, जिसका उद्घाटन जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने किया। जानकारी देते हुए बहादुर किस्कू ने बताया कि विधायक संजीव सरदार स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हरहर गुट्टू दुर्गा पूजा मैदान समेत आसपास से 3 से 4 ट्रांसफॉर्मर 100 केवी के लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की समस्या न रहे। हर हर गुट्टू दुर्गा पूजा मैदान स्थित 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर माननीय पोटका विधायक संजीव सरदार के निर्देशानुसार आज हम लोग उसका शुभारम्भ किए और इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिनों से ओवरलोड होने के चलते सही वोल्टेज नहीं मिल पाता था और स्थानीय लोगों ने हमारे पोटका विधायक संजीव सरदार से मुलाकात कर यहाँ पे अलग से एडिशनल 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की गुहार लगाई थी और विधायक जी ने अविलंब संज्ञान लेते हुए 100 केवी का ट्रांसफार्मर को आज लगवा दिया। इधर वैश्विक महामारी के चलते शमशान घाटों में उत्पन्न लकड़ी की समस्या को देखते हुए परसों ने श्यामा प्रसाद कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा 15 से 20 क्विंटल लकड़ियां निःशुल्क पार्वती शमशान घाट के सपोर्ट किया गया। इस दौरान क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य समेत स्थानीय लोग शामिल थे। वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों में शव के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही थी। हालांकि स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है पर अभी भी खतरा टला नहीं है। इधर शमशान घाटों में इस महामारी के चलते उत्पन्न हुई लकड़ियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए परसोड़ी स्थित श्यामा प्रसाद कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा 15 से 20 क्विंटल लकड़ियां पार्वती शमशान घाट के सपोर्ट किया गया ताकि अंतिम संस्कार में किसी तरह की परेशानी न हो। फिलहाल 2 ट्रक निकल रहे हैं और 1 ट्रक लकड़ी है, पेड़ों का छटा हुआ जो लकड़ी है। ये वैश्विक महामारी में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रहा था कि लकड़ी का शॉर्टेज हो रहा है शमशान घाट में। शिक्षा समिति श्यामा प्रसाद विद्या भवन के द्वारा ये पार्वती घाट को डोनेट किया जा रहा है। ये करीब 15 से 20 क्विंटल होना चाहिए, उससे कम नहीं ज़्यादा ही होगा। NSUI में घमासान जारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों जमशेदपुर NSUI के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्य छात्रों ने जय श्री राम कहकर एक संदेश भेजा था, जिस पर 8 सदस्यों ने मुहर लगाई थी, जिसके बाद जिलाध्यक्ष रोज तिर्की ने सभी 8 सदस्यों को ग्रुप से निष्कासित कर दिया था।
उसके बाद से ही जिलाध्यक्ष रोज तरके के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। हालांकि इस प्रकरण के बाद जमशेदपुर NSUI में मचे घमासान के बाद विपक्ष चुटकी ले रहा है। वहीं प्रदेश आला कमान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति बनाई थी। सोमवार को समिति ने रिपोर्ट जारी करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष कमल अग्रवाल गुट पर साजिश के तहत पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसी हरकत करने की बातों का जिक्र किया है। इसको लेकर छात्र नेता कमल अग्रवाल ने निष्कासित सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के रिपोर्ट की प्रतियां फाड़ कर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे रोज समिति का रिपोर्ट करार दिया। जानकारी देते हुए कमल अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी समिति के रिपोर्ट में उनके द्वारा दर्ज कराए गए शिकायतों के आधार पर जाँच का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही NSUI के लेटर पैड पर रिपोर्ट बनाई गई है। इसे रोज तिरकी के प्रभाव में आकर तैयार किया गया है। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश आला कमान से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही प्रभु श्री राम को अपना आराध्य बताते हुए आगे भी जय श्री राम कहने की बातें कही है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जमशेदपुर NSUI का अंदरूनी कलह अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। वैसे शीर्ष नेतृत्व इस मामले को कब तक सुलझा सकती है, ये गौर करने वाली बात होगी। जय श्री राम नारा लगाने के बाद 8 NSUI कार्यकर्ताओं को अन्य कारण के बहाने निष्कासित कर दिया गया, जबरन निष्कासित किया गया। और उस मामला जब सामने आया उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन किया। वो जांच समिति कम और रोष समिति ज्यादा लगती है, क्योंकि उस जांच समिति में हम लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य या हम लोगों का जो मेमोरेंडम था एप्लीकेशन, उसका जिक्र तक नहीं है। या सीधी सीधी पता चलती कि किस तरह तक NSUI का जो प्रदेश लेवल का कमिटी है वो जांच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रोज तिरकी द्वारा उठाए गए गलत कदम को सही साबित करने में जुटा हुआ है। मैं छात्र एक दूसरे को संबोधन कर रहे थे, वो एक NSUI का जमशेदपुर NSUI का ईस्ट सिंहभूमगढ़ का व्हाट्सएप ग्रुप था, और छात्रों ने जय श्री राम का नारा लगाया। और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछना लाजमी, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाना कुछ गलत तो है नहीं। अब वो हमारे आराध्य है और हम संगठन में रहे ना रहे हम वो कहेंगे और कहते रहेंगे। हम लोग कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। जमशेदपुर के टेलको स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है, जहां सोमवार को ट्रस्ट की जमीन का सीमांकन और मापी की गई। जमशेदपुर अंचल निरीक्षक ने बताया कि अंचल कार्यालय को ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि निर्माण अवैध हुआ है या नहीं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। गौरतलब हो कि टेलको के खड़ांगाझार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की 2 नाबालिग युवतियों ने ट्रस्ट के संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें उनकी पत्नी और 2 अन्य सहयोगियों को भी यहां की युवतियों का यौन शोषण के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ट्रस्ट की जांच शुरू कर दी। वहीं संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फिलहाल ट्रस्ट की भूमिका की जांच जारी है। मदर टेरेसा ऐसा फैल रहा था कि मदर टेरेसा के द्वारा कुछ अवैध निर्माण कराया गया है और कराया भी जा रहा है। उसी के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि जाकर तो उसका जमीन का सीमांकन करके ये निर्धारित कीजिए कि वो जमीन सरकारी है या रहती है। इसी के क्रम में आज जो है उसका जमीन का चिन्हित किया जा रहा है। अभी तो जमीन प्लॉट का वेरीफाई हो गया है, अब अपने खतियान वगैरह से मिला लेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि ये सरकारी प्लॉट में आता है कि प्राइवेट प्लॉट में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।